आज पार्ट टू डीआईपी डाइट जो डॉक्टर साहब ने बताया उसमें के कुछ बातें हम क्लियर कर रहे हैं। ये परहेज क्यों करनी है, रिसर्च और स्टडी क्या कहता, मिल्क के बारे में, दूध। अब दूध के बारे में हमारे दिमाग में बहुत कुछ बैठा है कि भाई दूध में न्यूट्रिशियस होते हैं, तो वो गाय के बछड़े के लिए है। और फिर हमारे दिमाग में एक बैठा है कि दूध से कैल्शियम मिलता, तो कैल्शियम क्या करता, हड्डियों को मजबूत करता। लेकिन अगर गाय के दूध से अगर हड्डियां मजबूत होती, गाय बोलो भैंस बोलो कोई भी, दूध से अगर हड्डियां मजबूत होती तो सोचने वाली बात है कि गाय जो है वो कहाँ से कैल्शियम पा रही, वो कहाँ दूध पी रही। क्योंकि आदमी एक ऐसा प्राणी है जो दूसरे प्राणी का दूध पीता। कोई भी प्राणी एक उम्र के बाद अपनी माँ का भी दूध नहीं पीता। ये हम सोचते नहीं, इसलिए प्रॉब्लम आता है कि मिल्क इज नॉट अ फूड, डॉक्टर साहब कहते हैं। क्योंकि यानी फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, यहाँ पे सर्वे किया गया तो पाया गया कि वहां पे सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, वहां पे हड्डियों की बीमारी सबसे ज्यादा है। फिर इससे उल्टा थाईलैंड और वियतनाम, ये दो देश ऐसे हैं यहाँ पर 9 के बराबर दूध का इस्तेमाल है, वहाँ हड्डियों की बीमारी 9 के बराबर है। फिर हम अगर गौर करें कि हमें दूध से सच में कैल्शियम मिल रहा है, फिर कैल्शियम का पॉइंट आता है कि गाय को कैल्शियम मिल रहा है, गाय को भी हड्डी है, तो गाय घास खा रही, नेचर के साथ जी रही, नेचर की चीजें खा रही। हमें भी नेचर ने फल फ्रूट हरी सब्जियां सलाद दिया है, बहुत चीजें दी है जिसमें कैल्शियम भी बड़ी मात्रा में है। परमात्मा ने हर फल फ्रूट और सब्जी में कैल्शियम भी दिया, शक्कर भी दी, नमक भी दिया, बहुत से विटामिन दिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आयरन की गोली खाते हैं तो वो गोली से केवल आयरन एक ही पार्ट मिलेगा विटामिन का, लेकिन वो गोली के साइड इफेक्ट होंगे वो अलग। लेकिन परमात्मा ने, नेचर ने जो फल सब्जियां दी है उसमें एक सब्जी में एक ही विटामिन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं पालक लो, चीकू लो, बैंगन लो, तो इसमें आयरन है, तो आयरन के साथ अन्य विटामिन भी बहुत है, रफेज भी है। तो ये सोचना होगा कि नेचर के साथ चले तो नेचर कभी धोखा नहीं देता, लेकिन अगर नेचर के खिलाफ जाते हैं तो नेचर क्या करता है आपने देखा, बाढ़, भूकंप, ओजोन की परत, क्या हुआ देखा आपने। तो इसीलिए दूध अगर आप बंद करते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं, तो 15 दिन से, 15 दिन में आपको रिजल्ट शुरू होगा कि आपको एनर्जी फील महसूस करोगे, एनर्जेटिक महसूस करोगे, फैट कम होंगे, नींद बहुत अच्छी लगेगी और शुगर लेवल एकदम कम हो जाएगा। क्योंकि वो हमें पचता नहीं, दूध जो होता है हमें पछता नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए बना नहीं है, ये हमें समझना होगा। इसीलिए
ऐसे कई बातों को नजर में रखते हुए रिसर्च किया गया, और रिसर्च से ये पाया गया तो ये परहेज उसमें DIP डाइट में रखा गया, क्योंकि बहुत लोगों का थिंकिंग है कि भाई दूध तो अच्छा होता है, हमारे पूर्वज भी लेते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, सभी कहते हैं। क्या जरूरी है कि सभी कहते करके वो चीज सही हो? क्या सभी लोग कहते करके उस चीज पे बिल्कुल अमल करना चाहिए? कुछ हम अनुभव तो देख सकते हैं कि अनुभव क्या आ सकता हमें, क्योंकि हमारे भीतर परमात्मा, हमारे दिल की आवाज है, हमारे अनुभव है हमारे बॉडी के। बहुत से कोलकाता में सबसे ज्यादा दूध बिकता, वहां पे भी पाया गया कि हाथ टेढ़े मेढ़े हो रहे, हड्डियों की बीमारी सबसे ज्यादा हो पाई गई वहां भी, जैसे मैंने पहले कई देशों के, 3 देशों के नाम लिए, तो हड्डियों की बीमारी वहां भी पाई गई। तो ये जो प्रॉब्लम्स आते डेयरी प्रोडक्ट के, मांस का तो सबको पता है, लेकिन दूध का हमारे जहन और हमारे दिमाग में फिक्स बैठा है। इसलिए आज हमने दूध का परहेज क्यों है इसके ऊपर ये विषय लिया।